रेन ये जानकर पूरी तरह से हैरान था कि मीटो एक्चुअली में एक लड़की है। मीटो सोचती है ओ नो, रेन को अब पता चल चुका है। उसे उस जहर की वजह से दर्द हो रहा था। रेन कहता है ये उस बंदे का पॉइजन है ना। वो तुरंत टॉवल से उसके बॉडी को ढक लेता है और चूस कर उस पॉइजन को निकाल देता है। इसके बाद रेन मीटो को सॉरी कहता है। वो देखता है कि मीटो बेहोश हो चुकी है। रेन उसे उठाते वक्त उसकी विग निकल जाती है। उसके लंबे बालों को देखकर रेन कहता है तो तुम सच में एक लड़की हो। वो उसे उठाकर ले जाता है। वैम्पायर के महल में सारे वैम्पायर्स रूका से कहते हैं अगर तुम हमारा नेक्स्ट फाउंडर हो और तुम एक सच्चा वैम्पायर नहीं बने तो ये देश तबाह हो जाएगा। रूका कहता है बस बहुत हुआ, इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। चलो एक एक करके बात करो। तुम लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा जब तक तुम लोग एक साथ बात ना करो। एक दादी माँ रूका से कहती है तुम हमेशा ही मुँह फोट हो प्यारे रूका। तारों ने उस पल ही बात करना शुरू कर दिया था जिस पल तुम यहाँ आए थे। तुम्हारे डेस्टाइन पार्टनर को मैं इस क्रिस्टल बॉल में दिखा सकती हूँ। वो क्रिस्टल बॉल चमकने लगता है और उसमें एक लड़की दिखाई देती है। रूका उसे देखकर सोचता है सच में क्या ये मेरी डेस्टाइन पार्टनर है। फिर वो मीटो को याद करके कहता है हाँ ये बस एक भाग्य बताने वाला यंत्र है, जैसे कि मैं इस पर कभी यकीन करने वाला हूँ। दादी माँ कहती है मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। कमोरी रूका से पूछता है रूका क्या तुम इस क्रिस्टल में किसी और को देखना चाहते थे? मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ जो अभी तुम्हारे दिमाग में है। रूका कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कमोरी कहता है उस फीलिंग को निकल जाने दो, भाग्य के सामने प्यार बस एक कचरा है। इसके अलावा जब तुम अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते। दादी माँ कहती है चुप हो जाओ, इसके भविष्य में और भी कुछ है। वो उस क्रिस्टल बॉल में देख के कहती है आज रात को रूका का डेस्टाइन पार्टनर वाटर एज के पास उसे दिखेगी, तुम्हारा भाग्य तुम दोनों को मिलाएगा। मीटो एक जगह पे खड़ी होकर सोचती है मैं कहाँ हूँ, यहाँ कितना अंधेरा है। अगले ही पल वो इस लड़की के फेस में होते टाइम सामने रूका को देखती है। रूका उसे कहता है तो तुम एक लड़की हो। अब जबकि मुझे पता चल चुका है कि तुम एक लड़की हो तो अब से हम साथ नहीं रह सकते, मेरा एक डेस्टाइन पार्टनर है। ये कहकर वो चला जाता है। मीटो रोते हुए कहती है प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ रूका। ये सब मीटो का बस एक सपना था। जब वो उठती है वो अपने सामने रेन को देखती है और कहती है मुझे माफ कर दो मेरे इस राज के लिए, पर अगर उसे पता चलेगा कि मैं एक लड़की हूँ तो हम साथ नहीं रह पाएंगे, तो प्लीज सबसे ये बात छुपा के रखना। उसे रोते हुए देख रेन उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है चिंता मत करो, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद पर ज़्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। मीटो कहती है शुक्रिया। रेन कहता है मेरे चुप्पी के बदले तुम्हें मेरे साथ डेट पे जाना होगा। मीटो ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो रेन के साथ जाते हुए सोचती है मैं हैरान हूँ, डेट से उसका मतलब घूमने जाना था क्या? वो पूछती है हे रेन हम कहाँ जा रहे हैं? रेन उसे कपड़ों की दुकान में लाके कहता है तुम जो भी कपड़े खरीदना चाहो मैं तुम्हें यहाँ से खरीद के दूंगा, मुझे लड़कियों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है पर उन्हें क्यूट चीज़ें पसंद है ना, क्या इससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगा? पीछे से दो लड़कियाँ इन्हें देख रही थी। एक लड़की कहती है मैं जेलस हूँ, उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है। रेन मीटो से कहता है ठीक है मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। एक शॉप लेडी कहती है हेलो मिस, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है? रेन बाहर खड़े होते हुए सोचता है मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया था, हम दोनों ने एक साथ बात भी किया है। रेन के आंखें फटे के फटे रह जाते हैं जब वो मीटो को इस ड्रेस में देखता है। मीटो बहुत प्यारी लग रही थी। रेन कहता है यामामोटो तुम लड़की के हिसाब से ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो एक लड़की के तरह कपड़े क्यों पहनती हो? मीटो सोचती है आखिर इसका मतलब क्या है? रेन सोचता है वाह
वो कितनी प्यारी है। एक लड़की का बॉयफ्रेंड तो मिटो पर से नजर हटा ही नहीं पा रहा था। एक लड़का कहता है वो कितनी हॉट है, चलो उससे बात करते हैं। रेन मिटो के सामने खड़ा हो जाता है तो वो लड़का कहता है अह मैन, उसका तो एक बॉयफ्रेंड है, चलो चले यहाँ से। मिटो कहती है सुंदर चेहरे के साथ हमेशा अच्छी चीजें नहीं आते हैं। जो रिलेटिव मुझे रखते थे वो भी मुझे पसंद नहीं करते थे और अजीब लड़के अक्सर मेरे पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए मुझे ये चेहरा पसंद नहीं है। रेन उसे हक करके कहता है खुद से नफरत मत करो क्योंकि दूसरे तुम्हारे बारे में ऐसा कहते हैं। अगर बदमाश तुम्हारे पीछे आते हैं तो अभी से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे खुशी है कि तुम एक लड़की हो। तभी डॉर्मिटोरी का एक लड़का रेन से पूछता है हे रेन, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? रुका मिटो को याद करके सोचता है अगर मैं अपने डेस्टाइन पार्टनर को ढूंढ लूंगा तो मिटो का क्या होगा। मिटो सोचती है अगर इसे पता चल जाएगा तो। रेन उसके कान में कहता है डॉर्मिटोरी में जाओ, मैं उसे बिजी रखता हूँ। तो मिटो यहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए थककर एक वाटर एज के पास पहुँचती है। पानी में अपने चेहरे को देखकर वो सोचती है अगर रुका मुझे ऐसे देखेगा तो वो क्या सोचेगा, मैं रुका को देखना चाहती हूँ। तभी साइड में उसे रुका का रिफ्लेक्शन दिखता है और वो रुका को सच में यहाँ देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसकी पर्स नीचे गिर जाती है तो रुका कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो मिटो की सुंदरता को देखकर सरप्राइज था। उसे अपने डेस्टाइन पार्टनर के बारे में सुने सारी बातें याद आने लगते हैं। मिटो आंखें बंद कर लेती है तो रुका कहता है ओह तुम्हें इसे घूरने के लिए मुझे माफ कर दो, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा होगा ना। मिटो सोचती है क्या वो मुझे पहचान नहीं पाया। रुका कहता है सुनो, मैं तुम्हें पटाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर क्या हम थोड़ा और बात कर सकते हैं? इसके बाद रुका उसके लिए स्ट्रॉबेरी जूस लाता है और कहता है मैं बस आने में दिखता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कि लड़कियों के साथ कैसे बात किया जाता है। मिटो सोचती है मुझे तो ये पहले से ही पता है। वो कहती है तो ठीक है, चलो आने में के बारे में बात करते है, तो तुम्हें किस तरह का आने में पसंद है? वाटर एज में एक पिंक और एक ब्लू डॉल्फिन को देखकर लोग दीवाने हो रहे थे। रुका और मिटो भी इसे देखते हैं। रुका कहता है ये बहुत शानदार है। मिटो सोचती है रुका बहुत क्यूट है, उसे लग रहा है कि मैं एक लड़की हूँ। इस समय में मैं उसके साइड में एक लड़की के रूप में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। रेन मिटो को यहाँ रुका के साथ देखता है और मन में कहता है मुझे लगा तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हें पहचान ले। मिटो डॉल्फिन्स को देख रही थी। रुका उसे कहता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। क्या मैं तुम्हें फिर से देख सकता हूँ? मिटो सोचती है अब मैं क्या करूँ, मैं भी उसे फिर से देखना चाहती हूँ। पर फिर वो कहती है हे क्या तुम मेरे लिए वो खरीदोगे? रुका उसके लिए आइसक्रीम खरीद लेता है। मिटो बड़ी खुशी से इसे खाती है। खाने के बाद रुका मिटो के चेहरे पे लगे आइसक्रीम को पूछता है, तभी वो उसके ओर अट्रैक्ट होने लगता है। वो उसका खून पीने वाला था कि थोड़ा रुक कर वो मिटो से माफी मांगता है। मिटो कहती है इट्स ओके, मुझे अभी घर जाना है। रुका उसे रोक कर पूछता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर या तुम्हारा नाम? मिटो कहती है सॉरी, पर मुझे नहीं लगता है कि हम फिर कभी मिल पाएंगे, गुड बाय। वो यहाँ से भाग जाती है। रुका सोचता है मैं एक लड़की का खून पीने जा रहा था। कमोरी कहता है तो तुम अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे जाने दोगे? रुका के जाने के बाद कमोरी कहता है तुम्हारा भाग्य हमेशा तुम्हारे साथ ही है, पर तुम इसे पहचान नहीं पा रहे हो बुद्धू लड़के। भागते हुए मिटो नोटिस करती है कि रुका उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आ रहा है। रेन इस टाइम मिटो को एक कोने में खींच लाता है। मिटो कहती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया रेन। रेन उसे किस करता है। मिटो हैरान थी। रेन कहता है मुझे परवाह नहीं कि तुम एक लड़का हो या लड़की, मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद हमें एक मिस्टीरियस वैम्पायर को दिखाया जाता है जो कहता है
लगता है इस वैम्पायर वर्ल्ड में अभी भी हमारे लिए एक मौका बचा है। उन वैम्पायर्स के पास यूनिक एबिलिटीज है। उसके 70th बर्थडे पर यह एबिलिटी अपने फुल पोटेंशियल पे आएगा। एक बार मेरा बेटा रूका के डेस्टाइंड पार्टनर का खून पी ले तो रात में रूका अपने डेस्टाइंड पार्टनर के बारे में सोचते हुए अपने रूम में पहुंचता है। मीटो कहती है, रूका वेलकम होम, तुम बड़े जल्दी आ गए, क्या तुम मुझे देखने के लिए बेताब थे? रूका कहता है, ऐसा कुछ नहीं गधे। मीटो, आज मैंने छोड़ो कुछ नहीं, चलो सोने चले। सोते वक्त मीटो सोचती है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि उसने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं दुखी हूँ। वो रूका के पास सो जाती है। रूका उसे हक करके कहता है, मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ। मीटो कहती है, क्या वो मेरे बारे में सपना देख रहा है? मैं खुश हूँ पर दुखी भी हूँ।